हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुलियाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट हम इन दोनों लाइनों के साथ करेंगे। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। इसलिए दोस्तों, अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संविधान की प्रस्तावना, जो इंडियन पॉलिटी पार्ट वन का चैप्टर 4 है। दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप पहले के 3 वीडियो अवश्य देखें। उन 3 वीडियो के अनुसार आप 4थी वीडियो से उस जो मेरे 40 क्वेश्चन की सीरीज है उस सीरीज से उन क्वेश्चन को अपने आप हल करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की यह वीडियो, जिसमें पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इतने द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम अमेरिका संविधान प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था, इसके बाद भारत ने इसे अपनाया था। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का पूरा सार होता है। प्रख्यात न्यायविद, संविधानिक विशेषज्ञ एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा है। दोस्तों, सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जो हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। दोस्तों, सर्वप्रथम भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। दोस्तों, इसके 4 प्रमुख घटक हैं, जिससे पहला घटक है संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिकृत करता है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के साथ निहित है। दोस्तों, सेकंड जो इसका घटक है वह है भारत की प्रगति। यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा घटक है संविधान के उद्देश्य। इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है। इसका चौथा घटक है संविधान लागू होने की तिथि। जैसा कि आपको पता है, 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 को यह अस्तित्व में आया था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्द का उल्लेख किया गया है। ये शब्द हैं संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। आइए दोस्तों, इसका संक्षेप में वर्णन करते हैं। पहला वर्ड है संप्रभुता। दोस्तों, संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और ये अपने मामलों को स्वतः निर्धारण करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, अगला वर्ड है समाजवादी। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन से पहले भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए, जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया था। भारतवादी समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राजाश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसे 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगला वर्ड है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है।
दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे भी जोड़ा गया था, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने 1974 में कहा था। यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, तथा अभी इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसके लिए अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जोड़े गए हैं, जिसका डिटेल में वर्णन हम आगे की वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगला वर्ड है लोकतांत्रिक। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। दोस्तों लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार प्रमुख औजार हैं, परिप्रेक्ष्य, पहल, प्रत्यावर्तन, जनमत संग्रह। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानून का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद रूप से किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गणराज्य, रिपब्लिक। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी होते हैं, जैसा कि ब्रिटेन में होता है। वहीं गणतंत्र में राज्य के प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका। इसीलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है, भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसके अर्थ में दो बातें और निकल के आती हैं दोस्तों। राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है, और दूसरा यह कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। दोस्तों अगला पढ़ते हैं न्याय, जस्टिस। प्रस्तावना में न्याय तीन भिन्न रूपों में शामिल है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। यहाँ पर सामाजिक न्याय का जो अर्थ है, हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, लिंग, धर्म आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। आर्थिक न्याय का यहाँ पर अर्थ है दोस्तों, आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक न्याय का अर्थ है, हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। अगला वर्ड है दोस्तों स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति, तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। समानता। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को हर स्थिति में अवसर प्रदान करती है, जो हर किसी के लिए समान होते हैं। इस उपबंध में समता के तीन आयाम शामिल हैं, नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक। इसका डिटेल में वर्णन दोस्तों हम आगे की वीडियो में करेंगे, जहाँ पे हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे हम इसका ज़्यादा वर्णन करेंगे। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। भाईचारा। दोस्तों भाईचारा, बंधुत्व। प्रस्तावना कहती है कि जो भाईचारा है दो बातों को सुनिश्चित करता है, पहला व्यक्ति का सम्मान, दूसरा देश की एकता व अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य के एम मुंशी के अनुसार व्यक्ति का गौरव का अर्थ है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। देश की एकता और अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। यह अनुच्छेद
हमारे भाईचारे को प्रमुख रूप से यहाँ पे दिखाता है, जिसे प्रस्तावना में इंगित किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बेरुवाड़ी संघ मामला जो 1960 में हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं में के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। दोस्तों उसके बाद केशवानंद भारती मामले में जो सन 1973 में सुप्रीम कोर्ट में गया था, अपने जो पहले उसने वो फैसला दिया था जो उसे पलट दिया था और यह व्यवस्था की थी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। यह महसूस किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। LIC ऑफ इंडिया मामले में पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा, प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह संविधान के जनकों के मत से सामित रखता है। दो तथ्य उल्लेखनीय हैं दोस्तों यहाँ पे। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, यह गैर न्यायिक है अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। दोस्तों अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है, जिसके जरिए तीन वर्ड इसमें जोड़े गए थे जैसा हमने अभी चर्चा की थी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। इस संशोधन को वैध ठहराया गया था। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी वीडियो की तरह मैं आपके लिए एक नया सेशन लेके आ रहा हूँ, उत्तराखंड स्पेशल, जो बहुत जल्द ही आपको इस चैनल पर मिलेगा। दोस्तों उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो UK SSSC हो या UK PSC हो या Group C, उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपको उत्तराखंड स्पेशल बहुत हेल्प करेगा। आपके उन एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ उत्तराखंड स्पेशल बहुत जल्दी। थैंक यू दोस्तों।